हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल 2013 में एमएस एक्सेल 2013 जो कि मैं यूज़ कर रहा हूं, उसमें आपको बताऊंगा कि डेसिमल का यूज़ कैसे करते हैं, डेसिमल को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं डेसिमल की। तो सबसे पहले मैं एमएस एक्सेल 2013 ओपन करता हूँ क्योंकि मैं यूज़ ये कर रहा हूँ। इसकी बाई डिफ़ॉल्ट थीम जो है वो मैंने ओपन कर लिया पेज, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम डेसिमल से मैं बात करूँगा आपसे डेसिमल की। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये 222 है या 200 कर लेता हूँ, ये 200 है, इसको एंटर किया और 300 एंटर किया। तो यहाँ पे अभी डेसिमल की बात करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पे फार्मर सेल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली नंबर पे जा सकते हैं, यहाँ पे नंबर है, ठीक है। ना भी हो तो ऊपर यहाँ पर आए जनरल में, यहाँ पर ये इसकी ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर मोर ऑप्शन पे आ जाएं, मोर ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर्स पे आ जाना है। आपने डेसिमल को कैसे इंक्रीज़ करना होता है, डेसिमल का यूज़ कैसे करना होता है, तो यहाँ पे आपको डेसिमल की ये फार्मेटिंग मिल जाएगी। लेकिन डेसिमल होता क्या है, पहली बात तो ये है कि डेसिमल आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल होता क्या है। यानी मैंने यहाँ पर दो पहले वाली मैंने ये 200 मैंने एंटर किया, ये 200 इसको मैंने सादा एंटर किया। अभी एंटर करूँगा तो ये सिंपल रहेगा। अभी मैं 200 डॉट एंटर करूंगा तो अभी देखें इसकी प्राइस, नहीं सॉरी, इसको मैं कुछ अलामत दे देता हूं, जैसे कि जहां पे दे देता हूं। तो मैंने यहां पे सिंबल दे दिया करेंसी या करेंसी की, मैंने सिंबल लगा दिया, इसके साथ डॉलर साइन लगाया, तो आप देखेंगे ये 200.00 हो गया। जो 0.00 हुआ है उसको डेसिमल बोलते हैं। वो डेसिमल कैसे ऐड किया जाता है, उसको फॉर्मेट कैसे किया जाता है, अगर आप चाहते हो 200.00 आए या 30 आए तो वो बाई डिफ़ॉल्ट कैसे आएँ, उनकी सेटिंग कैसे की जाए। तो वो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, या तो इस यहाँ पे एक एरो का निशान है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो आपके सामने ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे यहाँ पे नहीं क्लिक कर सकते, यहाँ पे आप जा सके मोर पे जाके यहाँ पे नंबर पे आप करें जाएँ, ठीक है। सॉरी अभी नंबर पर आके आपको दिखाता हूँ, नंबर पर आ जाना, यहाँ पर नंबर पर, यहाँ पर आपको देखें यहाँ पर 2 है बाई डिफ़ॉल्ट, इन्होंने क्योंकि यूज़ ही 2 होता है तो 2 ही है, तो यहाँ पे 2 ऐड किया हुआ है। इसको अगर मैं 4 कर देता हूँ तो आप ऊपर सैंपल भी देखेंगे, यहाँ पे आपको सैंपल नज़र आ रहा है कि सैंपल में आपको 4 बढ़ गए। अगर 5 करता हूँ, 6 करता हूँ, अभी यहाँ पे देखना 2, इसको मैं ओके करूँगा तो आप देखें यहाँ पर 200 जितने मैंने 0 उसके आगे ऐड किए हैं वो हो गए। अगर आपको इसको यहीं से फॉर्मेट करना चाहिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल पर आ जाएँ तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले आएगा। अगर आगे पीछे भी हो तो आपने नंबर्स पे ऊपर ला के इसको यहाँ पे कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाले होते हैं कि माइनस में जब आप इसको नेगेटिव नंबर्स में लाना चाहते हैं तो नेगेटिव नंबर में आ जाएगा। जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, अभी आप देखें मैं यहाँ पे 200 एंटर करूँ, ओ सॉरी इसका गलत हो गया इस्तेमाल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये बताता हूँ आपको कि करना क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको पहले फॉर्मेट करके दोबारा से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे आता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पर आपको देखे नंबर्स पर आता हूँ, नंबर्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसका डेसिमल वगैरह बढ़ाना चाहता हूँ, जो 3 कर दिए मैंने, 222 है और उसके बाद डॉट 3 जो डेसिमल मैंने 0 ऐड कर दिए, 4 भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये जो होता है 1000 यूज हज़ार, यानी 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह ये यूज़ होता है। ये सेपरेटेड होता है ये करने के लिए, आपको अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप नीचे देखें उसमें चेंजिंग आती है, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेटेड 10000 हज़ार के हिसाब से इसको वो सेपरेट करेगा तो उसके बाद नीचे आ जाएं। ये जो माइनस है, अगर आप चाहते हो कि किसी चीज़ के आप डिजिट के साथ माइनस ऐड करोगे तो वो माइनस यहाँ पे शो करेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको ओके करता हूँ, पहले वाले को चेक करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -300। अभी मैं एंटर करूँगा तो ये शो करवा रहा है -300। तो अभी इसके ऊपर मैं आके राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट करता हूँ तो यहाँ पे नंबर्स में आता हूँ, नंबर्स में आके
यूज़ और इसको 300 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी माइनस कहता हूँ कि माइनस तो लगे, अगर मैं माइनस में अपनी करूँ तो आप चाहते हो कि अगर मैं माइनस में अमाउंट करूँ तो माइनस ना शो हो बल्कि रेड हो जाए। तो अभी इसके ऊपर मैं तजर्बा कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोबारा से करता हूँ माइनस, अगर माइनस 100 लिखूँगा एंटर करूँगा तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट करता हूँ, नंबर्स में आता हूँ और ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है ये रेड वाला। अभी इसको ओके करूँगा तो देखना मैंने माइनस लिखा लेकिन उसने रेड कर दिया है। मकसद ये आपको बताने का ये है कि इसी तरह आप फार्मर सेल में, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके आता हूँ दोबारा से, मैं कहता हूँ कि ये रेड हो जाए लेकिन इसके साथ ब्रैकेट भी आ जाए, या फिर ये ब्रैकेट हो जाए कि पता चल जाए कि ये माइनस में है और ये ब्लैक नज़र आए और इसके गिर्द ब्रैकेट्स हों बल्कि ब्लैक ही हो। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये है ये रकम अमाउंट मुझे पता होना चाहिए कि ये ब्रैकेट में है और माइनस ये शो रकम माइनस में है। अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और फार्मर सेल में जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ अगर माइनस में तो हो लेकिन रेड शो हो, ब्रैकेट इसके साथ हो और ये माइनस में अमाउंट है तो ये रेड शो और ब्रैकेट भी साथ में शो हो, रेड कलर का हो जाए, ब्रैकेट भी हो जाए पूरा डाटा जो रेड कलर हो और ब्रैकेट साथ में शो हो लेकिन ये रकम माइनस में ही है। इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं इसके साथ ब्रैकेट है लेकिन ये माइनस में अमाउंट है, मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, अगर एक्सेल पे काम करता हूँ मुझे पता है कि ये रकम अभी इसके साथ ब्रैकेट है और ये माइनस में रकम है। तो इसी तरह दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ, ठीक है या मैंने मैं ऐड कर दिया, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा या यहाँ पे भी आप जाकर फॉर्मेट में जा सकते हैं, ये कोई बात नहीं, नंबर में आना है आपने, यहाँ से आपके आप यूज़ कर सकते हो, इसके डेसिमल को आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे ये देखें इसके साथ जो डेसिमल है वो भी बढ़ता जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 ऐड किया उसके बाद जितने मैंने 0 ऐड किए वो बढ़ गए हैं, उसके साथ राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में आएँगे, यहाँ पे नंबर्स में आके आप यहाँ पे डेसिमल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अमूमन 2 यूज़ होते हैं लेकिन आप अपने कारोबार अपने बिजनेस के हिसाब से आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उस हिसाब से आप डेसिमल बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं, ये आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर भी दोस्तों आपको कोई मसला परेशानी हो तो आप मेरी वीडियो को नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरे आने वाली वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।